हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास सेवेंथ का मैथ्स करेंगे। जो चैप्टर हमारा चल रहा था पेरीमीटर एंड एरिया एंड एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, तो एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्टफोन। तो स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस चैप्टर का नाम देखिए, परिमाप। और क्षेत्रफल, ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 है। और यहां पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन सामने है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार सीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, आयताकार सीट दी हुई है, उसका परिमाप गिवन है। तो ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं बच्चों, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं हम। तो एक बारी और करके देखते हैं। तो ये आप साथ साथ इस क्वेश्चन को करेंगे और मेरे से पहले इसका आंसर निकाल के बताएंगे मुझे, है ना। तो ये आयताकार शीट है, इसका परिमाप आपको गिवन है और लंबाई भी गिवन है। लंबाई है 35 सेंटीमीटर, कितनी है 35 सेंटीमीटर, क्या हो गया L 35 सेंटीमीटर। चौड़ाई नहीं गिवन है, चौड़ाई तो आपको बतानी है, ज्ञात करनी है, और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आप क्या लिखेंगे, जो दिया है आपको आयताकार शीट का, आयताकार शीट का परिमाप कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, परिमाप हो गया। उसके बाद आयताकार शीट का क्या है, इसकी लंबाई आपको गिवन है, आयताकार शीट की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, जिसको हम L से भी डिनोट करते हैं। तो आपको इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये है क्वेश्चन। अब यहां पे चौड़ाई बताने के लिए आपको परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बताइए आयताकार शीट का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आप डायरेक्ट लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए परिमाप आपको पता, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और परिमाप गिवन है 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ गुना ब्रेड्थ को आप 100 सेंटीमीटर के बराबर रख देंगे, जहां से आप b का मान निकाल सकते हैं। तो b का मान यानी चौड़ाई आ जाएगी। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे। स्टूडेंट्स, किसी का आंसर आया, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि भाई ये आपको पता लग गया l इंटू बी किसके बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर। क्यों, क्योंकि आयताकार सीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और आयत का परिमाप होता है, इसका सूत्र होता है L गुना B। अब L आपको पता है 35 है, तो B कितना होना चाहिए, 35 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम और 35 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड। बच्चों एक चीज यहाँ पे हमें करेक्ट करनी पड़ेगी और वो ये है कि जो ये परिमाप होता है, ये L इंटू बी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2L+B। ये परिमाप का सूत्र 2×L+B होता है, L गुना B होता है क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2×L+B के बराबर, और यहाँ पे 2×L है 35 और B यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम अगर आगे करते हैं तो ये थोड़ा दूसरे तरीके से होगा। कैसे होगा, 2×35+B और ये हो जाएगा 100 के बराबर। सबसे पहले हम 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 35+B बच जाएगा, है ना। यहाँ पे भी इसको एक बारी हम करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 100/2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरा
डिवाइड में चला जाएगा दूसरी तरफ, तो इसको दो से कैंसिल आउट करेंगे, दो एकम दो और ये 50 आ जाएगा। फिर 35 प्लस बी कितना है, 50 है, तो बी कितना हो जाएगा 35 दूसरी तरफ जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये तो पता होगा आपको कि अगर 35 को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन इसका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बी कितना आ जाएगा, ये फिर से 35 होगा और बी आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी आपको चौड़ाई पता लग गई है ना, चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो आ गई है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ और यहां तक आप नोट कर लो इसको। बताइए क्षेत्रफल कितना है आपका, आंसर बता सकते हैं आप, आयत का क्षेत्रफल यानी आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी लंबाई आपको पता है 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर आई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जीजीआईसी बरकोट आया है आपका आंसर, किसी का कोई बताना चाहेगा जीजीआईसी बरकोट से, अगर किसी का भी क्षेत्रफल आया हो तो आप बता दीजिए। चलिए यहां पे निकालते हैं फिर आयताकार शीट का क्षेत्रफल, ये होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्षेत्रफल होगा, और इसका परिमाप होगा 2 गुना L+B। ये हमने स्टार्टिंग में जब फॉर्मूले डिराइव किए थे तब भी हमने ये सूत्र इसका देखा था। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे आप कर देंगे L कितना है 35 और B कितना है 15, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आप कर देंगे। डायरेक्टली 15 का पहाड़ आता है तो डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 15 × 5 75 होता है, 7 हासिल, 15 × 45 + 7 कितना हो गया 52, तो यहाँ पे 52 लिख देंगे आप और ये क्षेत्रफल है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। करिए इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो अब हम वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ग है, ठीक है, वर्गाकार पार्क है यहाँ पे, और उसका क्या है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब दो पार्कों को आपको कंपेयर करके दिया हुआ है, एक तो है वर्गाकार पार्क, ये वर्गाकार पार्क हो गया, इसकी एक भुजा 60 सेंटीमीटर है, 60 मीटर है, तो इसकी भुजा आप 60 मीटर लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये वर्गाकार पार्क है इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, 60-60 मीटर की होंगी, जबकि आयताकार पार्क है उसकी लंबाई आपको दी गई है 90 मीटर, 90 मीटर लंबाई दी गई है और इसकी भुजा वर्गाकार पार्क की है 60 मीटर। तो यहाँ पे एक चीज आपको बताई गई है कि भाई वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है ना, तो ये चीज आप यहाँ पे जरूर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ग की एक भुजा दी गई है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं वर्ग की भुजा बराबर है 60 मीटर और आयत की भुजा या फिर आयत की लंबाई कितनी दी गई है, आयत की
लंबाई भी तो आपको दी गई है, यानी L ये है 90 मीटर, ये चीज गिवन है, ये चीजें आपको दी गई हैं, और आपको क्या बताना है, आयताकार पार्क की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ बतानी है, ये आपको इसकी वैल्यू बतानी। कैसे बता सकते हैं, किस चीज की मदद से बता सकते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होगी इसकी चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या होगी। तो बच्चों किसी का आंसर आया, कीजिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अगर हम दोनों के क्षेत्रफल को कंपेयर कर दें, आपको वर्ग का क्षेत्रफल का एरिया फॉर्मूला पता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, अगर दोनों के क्षेत्रफल को आप कंपेयर कर दें, तो हम निकाल सकते हैं आयताकार पार्क की चौड़ाई। अब मुझे ये बताइए अगर किसी को पता है कि भाई वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने किया था, क्या कोई बता सकता है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयत है ना, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा भुजा गुना भुजा, या फिर साइड इनटू साइड आप बोल सकते हैं, भुजा का स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। क्या आंसर आया आपका, ये आया 40 मीटर, 20 गुना तो 40 होता है, यानी आयताकार पार्क की चौड़ाई। बस ऐसे ही आप ये क्वेश्चंस करेंगे, नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे है एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है, यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, यह भी ज्ञात कीजिए कि इस आकार का क्षेत्रफल, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन था, अगर आपको याद आ रहा हो, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों। तो एक तार है जो कि आयत के आकार का है ना, तो मान लीजिए ये तार है और ये आयत के आकार का है, क्या पता है हमें इसका, लंबाई पता है L कितनी है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, और B भी पता है कितना है 22 सेंटीमीटर। अब इसी तार को दोबारा तोड़ के मोड़ के क्या बनाया हो, एक वर्ग बनाया जाता है, तो इसी तार को दोबारा मोड़ कर एक वर्ग हम बनाते हैं, है ना, इसी तार को दोबारा मोड़ कर हम एक वर्ग बनाते हैं, तो आपको बताना है कि भी प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, इस वर्ग की जो भी ये प्रत्येक भुजा है ए ए मान लेते हैं, इनकी माप क्या होगी बच्चों, है ना, और यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, ये भी आपको ज्ञात करना है। तो एक बार इसको आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फिर यहां पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक खास चीज हमें पता लगती है, अगर आप कोई बता पाएगा कि भाई इन दोनों में कौन सी चीज बराबर होगी, वर्ग और आयत में कौन सी चीज बराबर होगी, क्या कोई बता सकता है क्या चीज बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो ये आयत है, आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई यानी लेंथ ये है 40 सेंटीमीटर, और जो आयत की चौड़ाई है
यानी ब्रेथ वो है 22 सेंटीमीटर, लंबाई होगी चौड़ाई हो गई। और जो वर्ग है, वर्ग की भुजा हमें नहीं पता, तो हम बोल सकते हैं या तो माना वर्ग की भुजा नहीं पता तो इसको ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अब यहां से एक बहुत ही जरूरी चीज हमें पता लगती है, वो क्या कि जो इसका परिमाप होगा ना आयत का, आयत का परिमाप कैसे निकलेगा, जो ये तार है ना, इसके जितनी भी भुजाएं हैं, आयत की जितनी भी भुजाएं हैं सबका माप जोड़ के हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं, यानी कि तार की कुल लंबाई हमें पता लगेगी। परिमाप मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए परिमाप मतलब हुआ कि भाई परिमाप का मतलब हुआ जो तार है, तार की लंबाई, कितना तार है, और इसी तार को मोड़ के तो हमने वर्ग बनाया है। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि भाई जो हमारे पास वर्ग का परिमाप होगा, ठीक है, वर्ग का परिमाप होगा वो आयत के परिमाप के बराबर होना चाहिए, आयत का परिमाप के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे जो वर्ग है उसका परिमाप क्या होना चाहिए, भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर, और आयत का परिमाप क्या होना चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है इन दोनों का सूत्र। अब भुजा का वर्ग तो हमें नहीं पता ना, तो यही तो निकाल, हमें भुजा निकालनी है, कोई बात नहीं, हमें लंबाई गुना चौड़ाई पता है। लंबाई कितनी है, देखिए यहाँ पे लंबाई 40 दी हुई है, चौड़ाई 22 दी है, तो हम 40 गुना 22 कर सकते हैं। भुजा का वर्ग कितना आ गया, 40 गुना 22 है, तो देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके और फिर वर्गमूल निकालेंगे, इससे अच्छा इनके यहीं पे फैक्टर निकाल लीजिए। 40 के फैक्टर कितने होंगे, 40 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 से भाग करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। इसी तरह आप 22 के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 11, 11 से करेंगे तो 1, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे परिमाप है ना, तो हम फिर से यहाँ पे परिमाप का सूत्र लगाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे परिमाप का सूत्र लगाएंगे, ये हमने क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया था। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 4 गुना भुजा, जो वर्ग है उसका परिमाप 4 गुना भुजा, और जो हमारे पास आयत है उसका परिमाप होगा लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है, ये होगा। हमें परिमाप का सूत्र लगाना है, तो जो हमारे पास वर्ग का परिमाप आएगा क्या आएगा, 4 गुना भुजा, यही होता था, और ये हो जाएगा 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो इसके बाद 4 गुना भुजा एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई है 40 और चौड़ाई है 22। भुजा कितना आ जाएगा, भुजा हम कर सकते हैं 2 गुना 40 प्लस 22 62 हो सकता है, और 4 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये 31, यानी इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 31 सेंटीमीटर। तो जो वर्ग है उसकी भुजा हमारे पास आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल क्यों निकालना पड़ेगा, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि किसका क्षेत्रफल अधिक है या किसका कम है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका अब क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग,
भुजा का स्क्वायर, और भुजा हमारे पास आ चुकी है, कितनी है, यह है 31। इसका वर्ग हम कर देंगे तो 31 गुना 31, 31 × 31 आप यहाँ पे करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए इनको आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, अगर शॉर्टकट किसी को आता है तो शॉर्टकट आप कर सकते हैं, 31 × 31 कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 961 cm². फिर आप लिखेंगे आयत का वर्ग, अब आयत का वर्ग क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई आपको 40 गिवन है, चौड़ाई आपको 22 गिवन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 22 × 88, ये आ जाएगा 880 cm। तो दोनों का आपके पास क्या आ गया, आयत का क्षेत्रफल, ये आपके पास आयत का क्षेत्रफल आ गया और वर्ग का भी क्षेत्रफल आ गया है। तो यहां पे हमसे पूछा गया है कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, है ना, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो एक तो आया है 961 किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, और ये 880 आया है आयत का क्षेत्रफल, तो आप बोल सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो बच्चों अभी जो हमने किया है, जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन कर लिया होगा। अब इनको दोबारा एक बारी जरूर करके देखें आप, और अगर कोई डाउट होता है तो अगली क्लास में जरूर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।